नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में और मैं कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूं आज की बेहद ही अहम न्यूज को लेकर के। पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल है, हर राज्य में हर स्टेट में एक के बाद एक चुनावी माहौल बना हुआ है, चुनाव हो रहे हैं और बीते दिन पांचवें चरण की वोटिंग में बॉम्बे में वोटिंग हुई और जिसके बाद से कई बड़े सुपरस्टार सामने आकर के वोटिंग करते हुए नजर आए, खबरें उन दिखाई दी गई। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार का वोट नहीं देना लोगों को रास नहीं आ रहा है और अब अक्षय अपने वोट ना देने की वजह से ट्रोल हो रहे हैं। बता दें कि अभी हाल ही में अक्षय कुमार प्रधानमंत्री मोदी की ANI द्वारा एक नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लेते हुए नजर आए थे और काफी चर्चा में थे और लगातार अक्षय कुमार अपने देशभक्ति छवि के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करने की वजह से वो एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। और आइए जानते हैं इसी खबर को थोड़ा डिटेल में, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम चाहेंगे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट में अपने कमेंट्स भी शेयर करें। आइए रुख करते हैं इस खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण में 29 अप्रैल को जहां कई बॉलीवुड हस्तियों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, वहीं अभिनेता अक्षय कुमार का वोट ना करना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों पर कई फिल्में करने वाले अक्षय ने कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक गैर राजनीतिक साक्षात्कार भी किया था और हम आपको बता दें कि अक्षय कुमार के जनसंपर्क अधिकारी से भी अभिनेता के वोट डालने संबंधी जानकारी मांगी गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि अक्षय कुमार के पास भारत की नहीं बल्कि कनाडा की नागरिकता होने की खबरें हमेशा चर्चा में रही है। हालांकि उनकी पत्नी और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने जुहू में बनाए गए मतदान केंद्र में वोट डाला, लेकिन अक्षय उनके साथ नहीं थे। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर अक्षय को लेकर के तमाम टिप्पणी की जा रही है, जिसमें उनकी देशभक्ति सहित उनकी नागरिकता के संबंध में कई कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में चौथे चरण के लिए 29 अप्रैल को 9 राज्यों की 72 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं और ऐसे में जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बड़े बड़े सितारे भी पोलिंग बूथ पर लाइनों में खड़े दिखाई दिए। हालांकि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मुंबई की जिन 6 सीटों के लिए वोटिंग हुई, उनमें से वो मुंबई उत्तर, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई उत्तर पूर्व के साथ साथ मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य सीटें भी शामिल है और इसमें अक्षय कुमार का नहीं दिखाई दिया जाना एक बार फिर से मुद्दा बन गया है और अक्षय कुमार काफी चर्चे में है और इस बार लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अक्षय देशभक्ति के लिए वो जाने जाते हैं और अपने एक के बाद एक पैट्रियोटिक मूवी बनाने की वजह से वो काफी चर्चा में रहे हैं और लोगों के बीच उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लेकिन कनाडा के नागरिकता होने की वजह से वो भारत में वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से वो चर्चा का सब्जेक्ट बने हुए विषय बने हुए हैं और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस बात का वो कैसे जवाब देते हैं सामने आकर के, या फिर क्या ये मुद्दा जल्दी ठंडा हो जाएगा। हम फिर से आज जरूर कुछ दिलचस्प न्यूज़ को लेकर के देखते रहे हमारा न्यूज़ चैनल और अगर आप हम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने कमेंट्स भी शेयर करें। क्या अक्षय कुमार का वोटिंग नहीं करना कनाडा नागरिक होने की वजह से सही है या फिर आप क्या चाहेंगे, क्या उन्हें वापस से भारतीय नागरिकता ले लेनी चाहिए? ऐसे कई सवाल है, कई कमेंट्स हैं जो हम चाहेंगे आप हमसे जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।